नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरा और आपका अपना YouTube चैनल आज टेक्नोलॉजी टिक्स में। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पोको F2 के फुल डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पोको F1 की ग्रैंड सक्सेस के बाद पोको लॉन्च करने वाला है अपना पोको F2 स्मार्टफोन, जो कि पोको F1 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहा था और काफ़ी अच्छा वैल्यू काफ़ी अच्छे कीमत पर प्रोवाइड कर रहा था। तो दोस्तों, पोको एक ऐसा ब्रांड है जो आपको बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में हाई परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं डिस्प्ले फीचर्स से। तो कुछ लिक्स के आधार पर मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले फीचर्स से। दोस्तों, डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिलेगा 6.3 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। और स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080x2340 पिक्सल का उसमें देखने को मिलेगा। ये एक बेजललेस डिस्प्ले होगा और छोटा सा नॉच आपको इसमें देखने को मिल सकता है। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 409 ppi का ये पिक्सल डेंसिटी होगा। डिस्प्ले एक IPS LCD सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन आपको इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855+ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर होगा और इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड एंड्रीनो 640 का GPU आपको इसमें देखने को मिलेगा। रैम की बात करें तो शुरुआती रैम वेरियंट होने वाला है 6 GB 128 GB स्टोरेज। और यहाँ पे बात करें तो इसमें OTG का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये एक हाइब्रिड सिम स्लॉट लेके आएगा जिसके जरिए आपको ये 256 GB तक आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और कैमरा फीचर्स की बात करें तो ये एक ट्रिपल लेयर कैमरा सेटअप होने वाला है, जो कि प्राइमरी होगा 64 MP 13 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा हो सकता है। और यहाँ पे एक 5 MP का 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा होने वाला है। और यहाँ पे ऑटो फोकस वगैरह सारा फीचर्स आपको बहुत सारा फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग तक का आपको सपोर्ट इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये एक 20 MP का डॉट नॉच के बीच एक कैमरा होगा 20 MP का। और यहाँ पे बैटरी की बात करें तो 4100 mAh की बैटरी होने वाला है, जो कि एक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बॉक्स में ही आपको 18 W का चार्जर आपको देखने को मिलेगा। सिम की बात करें तो डुअल सिम हो, एक हाइब्रिड सिम स्लॉट लेके आता है। एक साथ आप एक सिम या फिर एक मेमोरी कार्ड या फिर 2 SIM यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डुअल सिम वोल्टी सपोर्ट ऑफकोर्स करेगा। यहाँ पे सारा वाईफाई वगैरह ब्लूटूथ वगैरह सारा फीचर आपको इसमें देखने को मिलेगा। और सारे कनेक्टिविटी मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये एक USB टाइप सी पोर्ट लेके आएगा और साथ में आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिलेगा। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो ये एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। और अदर सेंसर की बात करें तो सभी तरह के सेंसर आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, लॉन्च डेट की बात करें तो ये सितंबर के महीने के 3rd week में इंडिया में देखने को मिलेगा। और प्राइस की बात करें तो 22,999 से ये बेस वेरिएंट शुरू होने वाला है प्राइस इसका। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं रोजाना इस चैनल पर कुछ नए टेक्निकल टिक्स की वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।